सिद्धू जी आपको पता है मई आ गया. आ गया. हाँ तो फिर आप जनवरी जितना तैयार होके क्यों आते हो? अरे सिद्धू साहब एक बात पूछनी थी, पता नहीं अफवाह है कि सच है, आप टाइल लगा के सोते हो? नहीं. अच्छा फिर अफवाह होगी. सर्दियों में हर बंदा बड़े प्यार से बात करता है, गर्मियों में बड़े बड़े मुंह बना लेते हैं, गर्मी बड़ी तो है. हाँ. इसलिए मैंने गर्मियों में बिकने वाला सारा सामान यहाँ पे लगा के दुकान खोल ली है, बस भगवान खूबसूरत सी लड़की आ जाए कोई. वाह. हे भगवान, मैंने कहा था खूबसूरत लड़की, ना तूने लड़की भेजी ना खूबसूरत, ये एसी कहाँ से चुरा कर लाई हो? ये चुरा कर नहीं लाई हूँ, खरीद कर लाई हूँ मैं. दो स्वीट मेरे लिए एसी लेके आई, इधर लगा दो. नहीं आपके लिए नहीं, अपने घर पे लगाने के लिए लाई हूँ. इधर तेरी माँ रहती है, इधर क्यों लेके आई फिर? क्या तो मैं जलाने के लिए लाई हूँ ना. बेवकूफ औरत, जलाने के लिए मोमबत्ती होती है, एसी ठंडा करने के लिए होता है. आप समझे नहीं, मैं आपको जलाने के लिए लाई हूँ. आपको पता चलेगा कि मेरे घर में एसी है, ठंडी ठंडी हवा मुझे आती है, तो आप जलेंगे ना. देख बम्पर, मैंने इतनी बड़ी दुकान खोली है, तू बाहर से एसी लेके आई, चलो वापस करो. अरे अरे आपके यहाँ से थोड़ी ना खरीदा, आपको क्यों वापस करूँ? अच्छा पहले खरीद लो फिर वापस कर दूंगा. अरे लेकिन पहले से खरीद रखा है तो मैं आपसे वापस क्यों खरीदूं? मैंने इतनी बड़ी दुकान खोली, तुम्हें यहाँ से कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा. एक मिनट, देखिए एसी तो मैंने खरीद लिया है, आपके पास और कोई इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट हो तो वो बताइए. मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें गर्मियों के लिए. ये देखो ये पत्थर तुम ले लो, इससे तुम्हारे दिल को ठंडक पहुंचेगी. पत्थर से दिल को कैसे ठंडक पहुंचेगी? जैसे तुम्हारे पड़ोसी का घर नया नया बना, तुम्हें जलन होती है, उसके कांच पे फेंक के मारो, उसका कांच टूटेगा, तुम्हें बड़ी ठंडक मिलेगी. ये तो आपने ना बड़े काम की चीज दी है, ये मैं ना सिद्धू जी की गाड़ी पे मारूंगी. आ? आ? मेरी गाड़ी पे? सच में आपकी नई गाड़ी देख के मुझे बड़ी जलन होती है. वो जलन तुम्हें गाड़ी की वजह से नहीं होती, जो तू खाने में मिर्ची ज्यादा डाल के खाती उसकी. देखो मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है. बताइए. देखो तुम माल लेके आओ, मैं बेचूंगा. ये तो अच्छी बात है, तो आप पैसे दीजिए, मैं लाती हूँ ना माल. जितना पैसे लेके तो कोई भी ला सकता है, तुम्हें लोगों को घरों से उठा के लाना है. आप मुझसे चोरी करने के लिए कह रहे हैं? हाँ. तो अच्छी बात है कि वैसे भी पैसों के लिए तो लालची लोग काम करते हैं. तो ठीक है मैं लेकर तो आ जाऊंगी, मुझे क्या मिलेगा? हाँ तुम्हारी 50-50 पार्टनरशिप, जैसे 1000 रुपए का सामान बिका 50 रुपीज तुम्हारे. थोड़े कम नहीं हो गए? पैसे तो ये पूरी धरती भी तुम्हारे लिए कम है, तुम एडजस्ट कर रही हो कि नहीं कर रही हो? देखो 50 कम है, तुम 10-10 के 5 ले लेना. अरे नहीं नहीं फिर आपके लिए क्या बचेगा? अरे पैसों के लिए तो लालची लाख काम करते हैं, मैं तो मनी के लिए करता हूँ. जस्ट गेट आउट, जाओ माल लेकर आओ. कितने स्वीट चीटर आदमी है आप. ठीक है मैं लाती हूँ. ओके कोई कस्टमर आ जाए तो मैं पैसे कमाऊँ. वाह वाह सिद्धू साहब, क्या जमाना आ गया, कुत्ते लड़कियों को घुमा रहे हैं. Excuse me, कि मेरा टॉमी है और इसे मैं घुमा रही हूँ. ओके okay? मुझे कुत्ते बहुत अच्छे लगते, लाओ अल्ले अल्ले अल्ले, मैं भी घुमाता हूँ. अरे घुमाता. Excuse me, अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ दीजिए इसे. छोड़ दीजिए. You fool, baby are you okay? जैल मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ. मैं अपनी बेबी की बात कर रही हूँ, तुम्हारी नहीं. बेबी हम लोग ये सोसाइटी में कभी नहीं आएंगे. नहीं क्यों नहीं आएंगे, देखो मेरा फ्लर्ट करने का टाइम हो गया, लेट्स हैव अ हग. देखो वैसे तो मेरा दीपिका और कटरीना के साथ अफेयर मेरा ऐसे मूड था, बट बैगर्स आर नॉट चूजर्स. बताइए क्या लेंगी आप? देखिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस ऐसे ही घूमने आई थी. ऐसे क्यों घूम रही हो? सिद्धू जी को कहो वो घुमा देंगे आपको. नहीं सिद्धू जी क्यों, टूरिज्म मिनिस्टर है वो, खूबसूरत जनता को घुमाना इनका फर्ज है. आपको पता है ये इतने टैलेंटेड है, आपको वो देश भी घुमा देंगे जो बने नहीं है, नक्शे में ही नहीं है. ये ढूंढ ढूंढ के कह देंगे ठोको, नक्शे में ठोक देंगे. इतने बड़े देश. देखिए आप बहुत अच्छी दुकान पे आई हैं, इधर देखिए ये 2-in-1 एसी, देखो ये अंदर से गर्म करता है बाहर से ठंडा करता है. ये लो, ये तो सारे एसी करते हैं, इसमें नई क्या बात है? अरे इसमें नई बात ये देखो, इसके अंदर कबूतर कबूतरी ने घोंसला बनाया, 2 अंडे, ये आपके. मुझे अंडे नहीं चाहिए. ऐसे कैसे नहीं चाहिए, कबूतर कबूतरी ने अपनी शादी की है, फैमिली प्लानिंग कर रही है, तुम कौन होती हो बीच में आने वाली? अरे मैं कहां बीच में आ रही हूं? और वो देखिए आपके एसी को पीछे से देखिए, पूरा खराब है. तो पीछे से खराब है, तुम आगे से यूज करो, तुम्हें क्या. देखिए मेरे पास एक ऐसी चीज मैंने बनाई है, बिना कोई खर्चा किए आपके दिल में ठंडक पहुंचाएगी. कौन सी चीज? मैंने बताया था हग, कम ऑन हग मी. आप यकीन नहीं करेंगी, रोल बाग में लड़कियों की लाइन लगती थी कि राजेश लेट्स हैव अ हग, मैं नहीं करता था,
तो आप आपको ले ले फ्री में दे रहा हूँ। देखिए प्लीज मुझे मेरा टॉमी वापस कीजिए, मुझे इसे घुमाना है। अरे इसको मैं घुमा देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो चलो आओ टॉमी, चलो बेटा वॉशिंग मशीन में घुमो, जी लो टॉमी, जी ले अपनी जिंदगी। क्या किया तुमने? अरे मैं टॉमी घूम रहा है, जी ले अपनी जिंदगी। अरे अगर इसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तो खुद नहीं तुम्हें छोड़ने वाला। आपको लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है ना? नहीं, लड़कियों के साथ तमीज से बात करो ना वो सेट हो जाती, फिर शादी करनी पड़ती है, और फिर मैं इतनी सी उम्र में बाप नहीं बन सकता। अरे बाप बाद में बनना, बाप बाद में बनना, पहले एक अच्छा इंसान बनिए। लाइए मेरा टॉमी वापस कीजिए। टॉमी सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। आप तब तक शॉपिंग कर लीजिए, इतना कुछ है हमारे पास। देखिए पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है, फ्रेश एयर नहीं मिल रही है। मैंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है, बिना बिजली कुछ भी खर्च किए ऑर्गेनिक हवा मिलेगी। वाओ, तो पहले क्यों नहीं दिखाई? बाहुबली 2 पहले दिखाई किसी ने? राजा मौली ने पहली बनाई, उसके बाद दूसरी दिखाई। अच्छी चीजें बाद में आती हैं। ये लो वो डिवाइस। ये तो गुब्बारा है। ये सिद्धू जी हैं, ये सोनी टीवी है, ये जमीन है, ये आसमान है। ये तुमने कौन सी नई बात बताई? तुम बता ये डिवाइस कितनी अच्छी है। ऐसे हवा भरो, जब तुम्हें गर्मी लगे फुड़स करके छोड़ दो, बहुत मजा आएगा तुम्हें। गॉड मुझे नहीं चाहिए ये गुब्बारा। फुड़स तो ये कूलर ले लीजिए। कूलर? इसमें रोज पानी कौन भरेगा? सो मच वर्क। अरे नहीं, इसके साथ ये छोटा खंबा फ्री है, पानी भरने की जरूरत नहीं है। अरे इस खंबे का करूंगी क्या? आप कुछ नहीं करेंगे, आपका टॉमी करेगा, जो करेगा वो सीधा कूलर में, ठंडी ठंडी हवा आएगी। आप बोलो। ओ गॉड, मतलब टॉमी के सुसु से मैं पूरा रूम ठंडा करूंगी। अभी तो बड़ी चुम्मियां ले रही थी, अभी कर रही है। देखो ठीक है, कूलर नहीं, मैं तुम्हें एक ऐसा कागज देता हूँ, तन बदन ठंडा हो जाएगा। मैंने बड़ी डिवाइस बनाई है ऐसी। ये लो ये कागज, शरीर में ठंडक आती है। ये तो कश्मीर की एयर फ्लाइट टिकट है। हाँ तो बहुत ठंडा है कश्मीर, उधर जाओ तुम्हें मजा आएगा। मेरी वहां पे बुआ की लड़की रहती है, उसके लिए आम का चार ले जाना 2 किलो। मैं फालतू ले क्यों जाऊँ कश्मीर? रखो ये। तो फिर शादी करके चलते हैं, हनीमून का बहाना हो जाएगा, 2 से 3 होके वापस आएंगे। मुझे बच्चे बच्चे नहीं चाहिए। वो देखो बच्चा सर्दियों में पैदा होगा, दिमाग ठंडा रहेगा। सिद्धू साहब मैं बचपन में बहुत गर्म दिमाग का था। अच्छा? मुझे बच्चे कहते चिश्मी चिश्मी जैसे बोल देते थे, मैंने कभी बुरा नहीं माना। मैंने कहा क्योंकि जो बात मार पीट से सुलझ सकती है, बात करने का क्या फायदा। अरे यार मैं कहां फंस गई, कहां फंस गई मैं? हे भगवान ये फंस गई, मुझे पता ही नहीं चला। फंसने का बहुत शौक है ना, बहुत शौक है ना। बच्चों ऐसे ही तरफ फंसाऊंगी ना, इस तरफ फंसाऊंगी, जिंदगी भर याद रखोगे। हाँ आप तो बुरा ही मान गई। ये क्या था? सैंडल, देखिए सैंडल। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, आज तू निकाल कर फेंक दो इसको। इसकी जगह वो पहना करो। मैं कहता हूँ रबड़ की चप्पल पहना करो। ये ड्रेस के साथ रबड़ की चप्पल? नहीं नहीं, रबड़ की चप्पल के साथ छोटी निकर, गर्मी आ रही है, हॉट लगोगी तुम। मैं जैसे हूँ मैं बहुत खुश हूँ, ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप प्लीज मेरा टॉमी दे दीजिए, मुझे जाना है। देखिए आप ऐसे नहीं जा सकती, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। ये म्यूजिक सिस्टम ले लो आप। ओ वाओ, ये तो बड़ा प्यारा है। बहुत ज्यादा। हाँ लेकिन ऐसे कैसे ले लूं? पहले चेक करूंगी, कुछ सुनाओ। चेक करवा देते आपको। ये लो, ए हेलो, ये देखो कैसा लगा आपको? पैक कर दो। आपने इसे चेक किया, अभी आपको चेक करेगा। हैं? खुश हुए आप? Excuse me, सिद्धू जी खुश हुए मतलब? सिद्धू जी ने कहा था बीच बीच में डांस भी दिखा दिया करो, इंटरव्यू दिखाते रहते हो। देखना खुद अब बिल मेरे में फाड़। सिद्धू जी बहुत बिजी आदमी है, आपको पता है। आप पैसा बहुत है लेकिन टाइम नहीं उनके पास। ऐसे हम कभी कभी एंटरटेन करते हैं। ओ गॉड, इनके पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, मेरे पास एनर्जी नहीं है। पानी पानी, मैं आपको एक ऐसा शरबत पिलाता हूँ, तन बदन में ठंडक आ जाएगी। ये बोतल भी आपकी, 1 लाख रुपए का शरबत। क्या? 1 लाख रुपए की शरबत? 1 लाख रुपए में गाड़ी आ जाती है। गाड़ी पी सकती हो? नहीं। तो फिर शरबत आप पी सकती हो। अरे लेकिन गाड़ी और शरबत में फर्क होता है। इतनी महंगी शरबत बेचोगे ना, मैं पुलिस को बोल दूंगी, पुलिस देख लेगी तुझे। मैं पुलिस को देखूंगा ही नहीं, इससे अच्छा मैं बाहुबली 2 देख लूंगा। अच्छा चलोगी मेरे साथ देखने? मैं क्यों चलूं? बाहुबली 2 है, 2 लोग चाहिए कम से कम।
अच्छा देखो, अगर तुम मुझे दिल्ली में मिलती ना, दिल्ली में मैं तुम्हें कुतुब मीनार पे ले जाके प्रपोज करता। अगर तुम नहीं मानती फिर मैं अस्पताल में तुम्हारा पता लेने आता। और तुम्हारा पता ना सारा मोहल्ला लेने आता, समझे? अच्छा सिद्धू जी, मुझे लग रहा था मामला फ्लड से सुलझ जाएगा, मुझे लगता है मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी। अच्छा क्या? मैं क्यों करूंगी शादी तुमसे? I mean, why? अरे क्योंकि इतनी जल्लीकट्टी मैं सिर्फ बीवी से सुन सकता हूँ या श्रीदेवी से। श्रीदेवी? हाँ मैं। श्रीदेवी बीच में कहाँ से आ गई? बीच में नहीं, वो तुमसे पहले की आई हुई है। श्रीदेवी जी जब उई करती मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तुम भी करके बताओ। ना ना मुझसे नहीं होता। अगर श्रीदेवी जी देख रही होंगी क्या सोचेंगी, इतनी खूबसूरत लड़की उई नहीं कर पा रही। तो पता सिद्धू साहब कितना अच्छा उई करते हैं। मैं कहाँ उई करता हूँ? कभी नहीं देखा। अरे वो दिखाते नहीं किसी को, वो तब उई करते जब इनको सुई लगती ना, तो कहते उई उई। सिद्धू जी अच्छे आर्टिस्ट को बहुत अप्रिशिएट करते। डॉक्टर ने सुई लगाई, कहते वाह भी मजा आ गया, ठोको। उसने 12 इंजेक्शन और ठोके, 24 सुई हुई निकली। आप भगवान के लिए प्लीज मुझे मेरा टॉमी वापस दे दीजिए। आप भगवान के लिए थोड़ा सामान ले जो प्लीज। अरोरा जी, ये लीजिए, आपने सामान मंगाया था ना, मेरी आई। आपने एसी कहा था, एसी आ गया, दे लो। ये, अरे ये तो बहुत पुराना लग रहा है। नहीं नहीं, उन लोगों ने जब लगाया था तब एकदम नया था, अब थोड़ा पुराना हो गया है। डोंट टेल मी, आप लोगों के घर से सामान लेकर आती है? हाँ तो लोगों के घर से सामान ही लाऊंगी, लोगों के घर से लोगों को तो नहीं ला सकती ना। What a mad girl. Okay, मतलब मेरा अंदाजा ठीक है, तुम लोग चोरी का माल बेचते हो। हाँ किसी का भी माल हो हम बेच देते हैं। आप ये एसी ले लो, मेरे पास एक दो आई लव यू पड़े हैं, वो भी रख लो। Okay, तो बिल तो बहुत ही होगा ना। एक काम कीजिए, इसमें पैक कर दीजिए। ये क्या है अभी? हथकड़ी, माई सेल्फ इंस्पेक्टर जूही। मतलब ये चूही तो जूही निकली। एक्चुअली मेरे पास एक रास्ता है। कौन सा? ये वाला, मैं जाती हूँ। एक मिनट, पुलिस आई है और तुम जा रही हो? जाने से कुछ नहीं होगा, हमें भागना पड़ेगा। देखो लड़की मेरे पीछे भाग रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे पीछे भाग रही है। पाजी, एडजस्टमेंट लाइफ में जो है बहुत जरूरी है, और ये चीज मैंने सिद्धू पाजी से सीखी है। पीछे चार लड़कियों के बैठने की जगह आपने 8 एडजस्ट की हुई है। यहाँ शो पे इतनी अच्छी कुर्सी संभाली है, वहां विधानसभा में भी कुर्सी संभाली है, जोरदार तालियां। अच्छा पाजी, आप एक बात गौर करना, लड़कियों ने कभी लिपस्टिक लगाई हो ना ताजी ताजी, ज्यादा मुंह नहीं खोलती, छोटी छोटी ऐसे बाइट्स लेके तोड़ के खाती है। इस चिड़िया खाती ना, और राजमा भी अंदर जा रहा था, वो भी ऐसे करके घुसता है। अच्छा यही लड़कियों को ऐसे करके रख दिए, जब चटखारे लेने का टाइम होता है ना गोलगप्पे खाने, फिर इतना बड़ा मुंह खोल के पूरा गोलगप्पा एडजस्ट कर लेती है अंदर, और वो खाया नहीं होता उससे पहले ऑर्डर देती है, भैया ये मैंने पीकर तीखा करना आगे वाला। अच्छा सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट करते हैं छोटे शहरों में ऑटो रिक्शा वाले। हाँ वो इतनी सवारियां बिठा लेते हैं ना कि उनकी अपनी एडजस्टमेंट ऑटो से बाहर लटक रही होती है कभी कभी। अब देखना सामने से देखो, पता नहीं चलता ऑटो चला कौन रहा है। अच्छा ऐसे लोग शादी में मंडप में बैठते हैं ना जब दुल्हन के साथ, उसको बोल देते हैं थोड़ा और आगे सरक ले, एक सवारी और एडजस्ट हो सकती। अच्छा कई शादियों में जब खाना शुरू होता है एक साथ सैकड़ों लोग टूट पड़ते हैं। हाँ ऐसे में जो आदमी भीड़ में खाना लेके आ जाए वो बाहुबली से कम नहीं है। वो अलग बात है, कई तरह के कटप्पा आपकी कमीज पे पीछे दही पहुंच के निकल जाते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ में आदमी अंदर घुस के प्लेट एक बार पकड़ ले, उसके बाद उसको यही होता है कि दोबारा मौका मिले ना मिले सारा खाना एक ही बार डाल के लाता है। फिर वो जो बाहर निकलता है ना भाई, नजारा देखने वाला होता है, चावलों का ऐसे पहाड़ बना होता है, उसके आसपास नदी बह रही होती दाल की, जैसे चावल खोद के खाना शुरू करता है ना, पीछे से चावल झाड़ के नान निकलता है, भाई अंदर ही चुपा दिया मेरे को। नान के नीचे से छोले निकलेंगे, फिर रायता, फिर मुंह पोछता हुआ खीरा निकलता है, भाई 2 प्लेट ले लेते। अच्छा शादी के टाइम पे अब तो खैर बहुत सारे नई टेक्नोलॉजी आ गई, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई। पहले आदमी एक ही सूट सिलवाता था शादी के टाइम जो सिलवाया, फिर वो कई कई साल चलता था। अच्छा जब सिलवाया था तब आदमी पतला, 10 साल बाद आदमी का वजन बढ़ गया, अब शर्ट के बटन भी टाइट, कोट के बटन भी टाइट, बटन की जान निकली होती है, अंदर से नाभि झांक रही होती, कौन कौन मेहमान आए।
अच्छा आपको पता आदमी नहीं कपड़ा भी आदमी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है. अब देखना जिस आदमी को बनियान के ऊपर से खुजाने की आदत हो ना उसके वहां वहां छेद हो जाते हैं. बनियान खुद रास्ता देती है आदमी को, ले कर ले उंगली कर ले. फोन पे कभी कभी आदमी को एडजस्ट करना पड़ता है. गर्लफ्रेंड का फोन आ जाए आदमी परिवार के बीच में बैठा रहता है, कैसी हो बेबी. आदमी सीधा क्लियर भी कर देता है, बस फैमिली के साथ बैठा हूँ मैं. अच्छा बेबी हमारी फैमिली कब बनेगी. आदमी बेचारा झेपता है कि मैं कैसे, हाँ बस वो बात चल रही हो जाएगी. अच्छा किसी दो ना. हाँ ठीक है. क्या ठीक है, किसी दो ना एक. हाँ वो अभी फैमिली के साथ मुंबई आके प्रोजेक्ट देखेंगे वो वाला. अच्छा आदमी पूरी कोशिश करता है कि घर वालों को ना पता चले और किसी को पता ना चले, बाप को पता चल जाता है. हाँ. क्योंकि वो किए खुद बिजनेस खुद करके आया होता है. हाँ. तो पता है कौन से बिजनेस उसने भी प्रोजेक्ट लगाया है ये वाले. सबसे अच्छे लोग वो हैं जो कम पानी में नहाते हुए एडजस्ट करते हैं खुद को. वो एक मग्गा लेते ना पानी का, एक मग लेके ऐसे फेंकते नीचे घोड़ा करके फिर पानी वापस. कई नहाने वाले तो ऐसे ऐसे कमाल करते हैं, 6 मग के साथ नहा लेते हैं. सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट तब करनी पड़ती है जब साबुन इतना सा रह जाता ना आपके हाथ में भी नहीं आता वो. और कई बार नीचे भी फिसल जाता. हाँ, नीचे आपके चिपक ही जाता है वो. इतना छोटा भी होता है नाभि में फंस जाता कभी कभी. तो आदमी उस समय इतना एडजस्ट करता है कि उठा के यहाँ लगाया, उठा के यहाँ. फिर आदमी एडजस्ट करता है यहाँ से शुरू करता है, यहीं से घुमा के. उसको पता है हाथ उठाया कि जितना है वो भी निकल जाएगा. अच्छा मजा तब आता है पाजी जब सर्दियों में रजाई छुट्टी पड़ जाती है ना, आप किसी घर जाओ तो आपके साइज की रजाई नहीं है. पहले आदमी पैर एडजस्ट करता है, कभी टेढ़ा होता है, कभी कुकड़ी बन जाता है. हाँ. और रजाई छोटी होती है ना, कभी कभी रजाई थोड़ी सी ऊपर रह जाए तो वहां से सुर्र करके हवा घुसती ना, जो ऊपर से आपकी टी शर्ट उठी हो तो पीठ का इतना हिस्सा सुर्र करती जब, तो वो उस समय आदमी बड़ी बददुआएं देता है जिसके घर में ठहरता है. अच्छा हर आदमी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एडजस्ट करता है. आप में से कोई मेरे दोस्त हैं जिनको ये लगता है कि हमने यहाँ पे एडजस्ट किया है या वहां पे एडजस्ट किया था. जी मैम. नहीं नहीं शादी हुई आपकी. यस यस यस. अरे मोहतरमा तभी चमक रही है तो. कभी हुई आपकी शादी. 2 महीने पहले हुई है अभी. अच्छा जी, तो हस्बैंड भी आए साथ में. हाँ जी, ये मेरे हस्बैंड. क्या हाल है जी. अच्छा शादी के 2 महीने बाद ही मतलब शो वगैरह की जरूरत पड़ जाती है हंसने खेलने. बहुत बहुत मुबारक आपको. थैंक यू सर. कहाँ से आए आप जी. नागपुर में है रहते हैं हम लोग. अच्छा जी, तो मैं यहाँ मर्चेंट नेवी में हूँ. वैसे तो नेवी में टाइम कम मिलता है, मर्चेंट नेवी में हमें थोड़ा ज्यादा मिलता है. एक्चुअली एक ही बल्क में मिलता है ना, 5-6 महीने एक साथ. 5-6 महीने मतलब घर पे रहते हैं. जी जी जी. तो फिर 6 महीने बाकी कहाँ. बाकी शिप पे. तो ये आपको अच्छा लगता है ऐसे 6 महीने बीवी के साथ रहना, 6 महीने दूर, ऐसे जाना चाहता हूँ. ये भी तो एडजस्टमेंट है ना. नहीं एडजस्टमेंट तो है लेकिन जाम भी बना रहता है ना. जी, लेकिन तुम दोनों की जोड़ी बड़ी टनाटन. फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.